हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आंचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन चैनल सी जी पी एस सी ई ज्ञान में, जो है जिसमें हमारा है अभी लेक्चर नंबर 89। इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन लेसन्स को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। बहुत छोटे छोटे लेसन्स होते हैं, ज़्यादा बड़े लेसन्स हैं नहीं, जिससे कि आप लोगों को एक बार में कम्प्लीट करने में बोरियत भी महसूस नहीं होगी। तो चलिए अब जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि www.visualcard.com पे जाकर आप हमारे पेनड्राइव कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट में आपको पूरे के पूरे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं सी जी पी एस सी प्रीलिम्स और मेंस के। तो प्लीज़ गो एंड चेक www.visualcard.com। चलिए अब हम ये अपना लेसन नंबर 89 शुरू करते हैं। बारह नवंबर को कौन से विषय के साथ विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया था? तो वो था, देखिए, निमोनिया जो होता है वो लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ है। तो हेल्दी लंग्स फॉर ऑल विषय के साथ विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया था। 12 नवंबर को कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो वो हुआ था महाराष्ट्र में अनुच्छेद 356 के तहत। 12 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? 12 नवंबर को मनाया गया था लोक सेवा प्रसारण दिवस। 12 नवंबर को किस भारतीय को ABLF ग्लोबल एशियाई अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है कुमार मंगलम बिरला। इनको जो है ABLF ग्लोबल एशियाई अवार्ड मिला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। 12 नवंबर को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है स्वीडन के थॉमस डेन नरबी को। नेक्स्ट आपका 12 नवंबर को दुबई में विश्व पैरा एथलीट चैम्पियनशिप के दौरान पुरुष की F46 भाला फेंक स्पर्धा में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? सुंदर सिंह गुर्जर ने, ये इम्पॉर्टेंट है। 13 नवंबर को 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? दोहा में, जो कि है कतर में। 14th नंबर का एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप वहाँ पर हुआ था। 13 नवंबर को की गई घोषणा के अनुसार विश्व के पहले CNG पोर्ट टर्मिनल का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? गुजरात के भावनगर में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल होगा, मतलब जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसका ये पहला ऐसा पोर्ट टर्मिनल है। 13 नवंबर को कौन से देश के प्रिंस चार्ल्स 10वीं बार भारत में आ रहे हैं? तो वो है ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स 10वीं बार जो है भारत में आ रहे हैं 2 दिन के लिए। 13 नवंबर को किन दो देशों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिख 2019 हुआ? कहाँ पे? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। तो ये दो कौन से देशों के बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है डस्ट लिख 2019, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। 13 नवंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर कौन से झील को इको सेंसिटिव घोषित करना इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के कौन से झील को? डल झील को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का क्वेश्चन अगर आए तो। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को मकड़ी की एक प्रजाति का नाम कौन से क्रिकेटर के नाम से रखा गया? ये हमने पहले भी देखा है, सचिन तेंदुलकर के नाम से मकड़ी की एक प्रजाति का नाम रखा गया है। 14 नवंबर को 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 14 नवंबर को भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे चुना गया? मोहम्मद इमरान को। मोहम्मद इमरान को भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 14 नवंबर को किनके जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है? हम सब जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ीलिया। तो वहाँ पर क्या हुआ था, 11वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन, तो उसमें जो विषय क्या था, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम जो ये ब्रिक्स है, आशियान है, इनके बारे में डिटेल्स में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 11वें नंबर का, तो उसका थीम क्या था, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। 15 नवंबर 2019 को कौन से देश के राष्ट्रपति इवो मोरेलेस ने धोखाधड़ी के आरोप और विरोध प्रदर्शनी के बाद इस्तीफा दे दिया? वो था दक्षिण अमेरिका का देश बोलीविया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है।
15 नवंबर को 25वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह संपन्न हुआ है। तो वो उस समारोह की शुरुआत कौन से फिल्म से हुई? तो वो है सत्यजीत रे की गुपी ज्ञान बाघा बयेन, इस नाम की पिक्चर से जो है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह शुरू हुआ था। दोस्तों, हमारा ये एक लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।